है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिजिलॉकर का काम क्या है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहली बात तो ये सरकारी वेबसाइट है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो पहली टेंशन तो हम लोग की खत्म। और दूसरी बात ये है कि इसको हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग का डॉक्यूमेंट सेफ रहे और लाइफ टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग इसको हम कहीं भी किसी टाइम में भी यूज कर सकते हैं। गाइस क्या होता है कि अभी के टाइम में हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को कैरी करके कहीं भी लेके आने जाने में थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है, ऐसे में अगर खो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इस ऐप का हम लोग यूज करते हैं और सरकार के द्वारा से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इस ऐप में या इस वेबसाइट पर जाके आप इसको अपलोड करके इसमें सेव करके रख सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी है और इनका एप्लीकेशन भी है, आप चाहो तो इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके यूज कर सकते हैं या फिर अपने आप गूगल प्ले स्टोर में जाके अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। बेहद ही आसान प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस में आप लोग बारी बारी बताऊंगा कि कैसे आप इसको साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर गाइस आपका कभी भी पैन कार्ड खो जाता है, अगर आपने पैन कार्ड बनाया है और पैन कार्ड खो जाता है तो ऐसे में आप क्या करें, तब यही वेबसाइट आपका काम आता है। आप विद इन 1 सेकेंड पे अगर आपका ये लॉग इन है, साइन अप है या साइन अप नहीं भी है तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पैन कार्ड वाला यहाँ एक सेक्शन मिलता है, उस पर आप जाएंगे, वहां से आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छी ऐप है, पहले से ही आपका पैन कार्ड भी अवेलेबल होता है इस पे, और यहाँ तक कि जैसे ही आप अपना आधार कार्ड को इस वेबसाइट से लिंक करेंगे, आपकी आधार कार्ड भी इस वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी। एक्चुअली में ये वेबसाइट आधार कार्ड से ही लिंक होता है ताकि आप लोग कभी भी भविष्य में OTP के माध्यम से इस ऐप को ओपन भी कर सकते हैं। आप वैसे तो इस पे आधार कार्ड के नाम आपको जो डिटेल साइन अप करने के लिए चाहिए होता है, आपको फुल डिटेल भरनी पड़ती है आधार कार्ड का, जैसे कि आपका नाम हो गया, आप डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्लस आधार नंबर लगता है आपका उस पे, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी देना पड़ता है और मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। तो इन सारी डिटेल डालने के बाद आप साइन अप कर पाते हैं। आपको कुछ सिक्योरिटी पिन होती है, उस पर आपको पिन भी डालनी होती है, अगर आप कभी भी पिन भूल जाते हैं तो आप उसको फॉरगेट भी आसानी से कर सकते हैं। ये इन सब बातों को लेकर हम लोग अपने चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और वहाँ पे बारी बारी हम लोग देखते हैं कि अपने मोबाइल पे साइन अप कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपने PC में भी ले जाकर बताऊंगा कि कैसे आप अपने PC में भी या लैपटॉप में इसे आप साइन अप करके कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और वहाँ देखते हैं। तो ओके गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और उसके बाद अभी हम लोग अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे। चलिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है DigiLocker। जैसे यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए आ गया DigiLocker। यहाँ पे क्लिक करके अपने DigiLocker को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने DigiLocker को इंस्टॉल करेंगे। ये 19 MB यानी 19.53 MB का है, इनको हम डाउनलोड होने देते हैं। चलिए ये इंस्टॉल हो रहा है अब मेरे मोबाइल पे। काफ़ी आसान प्रोसेस है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को एक एक करके मैं बताऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है। जैसा कि देख रहे हैं ये ओपन होने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आप इजीली इसको ओपन कर ले। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग कर ले। मैं तो इंग्लिश रख रहा हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था, आप पढ़ सकते हैं इसको अगर पढ़ना चाहें तो। मैं इसको स्किप करता हूँ या नेक्स्ट कर सकते हैं आप, तो मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया गेट स्टार्टेड का, और यहाँ पे गेट आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोल वैक्सीन सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले गेट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है हम लोगों को, एक तो साइन इन का और एक होता है यहाँ पे क्रिएट का। साइन इन का मतलब ये होता है कि अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे आके साइन इन करके आप डायरेक्टली लॉगिन। आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे पैनल खुल चुका है मेरे मोबाइल पे। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आपको क्रिएटिंग अकाउंट इज फास्ट एंड ईजी। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम इंटर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम है, मैं उसे इंटर कर लेता हूँ। मैंने नाम इंटर कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। ध्यान से देखें, स्किप ना करें वीडियो को, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना होगा, तो फिर बाद में आके आप कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया। चलिए तो यहाँ पर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लिया। यहाँ पर मेल
जो भी है मेल फीमेल अदर जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर का सेक्शन, यहाँ पे मोबाइल नंबर को हम लोग टाइप करेंगे या इंटर करेंगे। चलिए अपना यहाँ पे ये डालिए, आप यहाँ पे आप 6 डिजिट का कोई भी पिन रख लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको बढ़िया लगता हो। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म हमने अपना पूरा फिलअप कर लिया, आप इजी तरीके से फॉर्म यहाँ पे अपना फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पे जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर था उस मोबाइल नंबर पे OTP आया है। अब यहाँ पे हम लोग OTP इंटर करेंगे, मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है, मैं इसे आप OTP इंटर करता हूँ। यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, OTP डालने के बाद आप चाहो तो यहाँ से सेव भी कर सकते हो, तो मैं नोट नाउ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटर योर यूजर नेम, आप क्या रखना चाहते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी रीजन के वजह से यहाँ पे हम उनसे हाइड कर देंगे, सॉरी दोस्तों। ठीक है, बट आप अपना नाम यहाँ पे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से मैसेज आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं योर यूजर नेम विल बी सेट टू, आपका नेम आ जाएगा 2 के बाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप, सॉरी यहाँ पे ओके का ऑप्शन आता है, ओके करेंगे। यहाँ देखिए यूजर नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड, उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से, इजी आपने आप अगर चाहो तो अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, कोविड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड से लिंक है इंक्लूड है, आप उन सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो मैंने आपको बताया पैन कार्ड का। ठीक है, तो पैन कार्ड वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे पैन नंबर अगर आप डालेंगे सिर्फ पैन नंबर और एन पैन नंबर के अकॉर्डिंग नेम, तो आपका पैन नंबर इजीली फाइंड कर देगा ये, और आप लोग अपने खोए हुए पैन कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी मुझे पैन कार्ड मेरा खोया नहीं है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहूँगा। अगर आपका खो जाता है तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ से आप इजीली आके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से बैक करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, तो डॉक्यूमेंट अपलोड हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट को सेव कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग माय प्रोफाइल सेक्शन वाले सेक्शन पे। उसके बाद मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ मेन्यू के ऑप्शन में आप लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में डिजी लॉकर ड्राइवर और स्टोर योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा सर्च होने देते हैं और देखते हैं क्या दिखाता है। तो ये उफ समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपलोड फाइल पे, यहाँ पे अपलोड करते हैं हम लोग और कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को अपलोड करते हैं, तो देखिए विद इन ए 1 सेकेंड पे ये डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया यहाँ पे। आप इस तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल से स्कैन करके आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इजीली तरीके से, और लाइफ टाइम के लिए अपने डॉक्यूमेंट को सेव रख सकते हो। ओके, तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपने PC के स्क्रीन पे, वहाँ देखते हैं कि हम लोगों को कैसे लॉगिन और साइन अप करना है। तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस साइन अप करने का मैंने तरीका आपको मोबाइल पे बता दिया। तो चलिए अपने PC के स्क्रीन पे चलते हैं। ओके गाइस, अगेन हम लोग अपने PC के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखना है, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे हम लोग, और हम लोग डिजी लॉकर के वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे डिजी लॉकर, यहाँ डिजी लॉकर टाइप करके हम लोग इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे ये पहली वाली वेबसाइट आप लोगों के यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं www.digilocker.gov.in, तो इस वाले वेबसाइट पे आप लोग जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, आप लोग यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आप लोग साइन अप नहीं किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले यहाँ साइन अप करके। सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको मोबाइल पे बताया, वही प्रोसेस यहाँ पे है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही है। क्रिएटिंग अकाउंट इज़ फास्ट एंड ईजी, यहाँ पे आप अपना फुल नेम, आधार कार्ड जो आधार पे नाम है वो डालेंगे, अपना जो आपके डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में वो यहाँ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग मेल फीमेल जो भी है वो डाल लें। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर डालें। उसके बाद 6 डिजिट का अपने अकॉर्डिंग अपना पिन रख लें। उसके बाद यहाँ पर अगेन अपना ईमेल ID यहाँ पर इंटर करें, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो लास्ट में यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल के यहाँ से आप सबमिट करें। कुछ और भी आगे प्रोसेस होता है जो मैंने आपको मोबाइल पे दिखाया, बस इतना ही करना होगा। आपका अकाउंट हो जाएगा साइन इन, उसके बाद यहाँ से आप अपना इजीली डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आप मोबाइल पे ही तो दिखाया ही था, मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन करता हूँ।
ठीक है, अलाउ पे कर देता हूँ। यहाँ पे हम जो मोबाइल नंबर से वहाँ पे इंटर किए थे साइन अप करने के लिए, वही हम यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अब चाहो तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है आपको, तीन ऑप्शन है, या तो आप अपने मोबाइल नंबर से, या फिर आधार नंबर से, या फिर यूजर नंबर, यूजर नेम से, जो आपने यूजर नेम वहाँ पे बनाया था अपना। तो मैं सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो आपने पिन बनाया था वहाँ पे, वही पिन इंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिन डाल लेता हूँ। पिन डालने के बाद आप लोगों को साइन इन पे क्लिक करना है। मैं नेवर पे क्लिक करता हूँ, आप सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को आप लोग यहाँ पे इंटर करें। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा खुल चुका है। यहाँ पे आप गेट नाउ कर सकते हैं, बट यहाँ से मैं अभी कट कर रहा हूँ उसको। और यहाँ देख सकते हैं आप होम, इश्यूज डॉक्यूमेंट, सर्च डॉक्यूमेंट, ड्राइवर, इस तरीके के ऑप्शन आता। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप कैसे इस ऑप्शन से यूज़ करेंगे और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे। मैंने आपको मोबाइल पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बता दिया है, बट इसका ऑप्शन कुछ अलग है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो बने रहेंगे मेरे चैनल पर और आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो पूरा वॉच करने के लिए।